सवाई माधोपुर में गत दिनों 13 मई की रात सिरोली गांव के मृतक लोकेश मीणा की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें परिजनों ने सिरोली गांव के ही कालूराम मीणा पर संदेह के आधार पर हत्या का आरोप लगाते हुए आज पुलिस अधीक्षक मामन सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें परिजनों का कहना है कि मृतक 24 वर्षीय लोकेश मीणा अपनी दो मासूम बेटियों और पत्नी को छोड़ कालूराम मीणा के कहने पर 12 मई को अपने घर से बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्राली लेकर गाँव से निकला, तभी अचानक देर रात सूचना परिजनों को मिली लोकेश का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे में उसकी अचानक मौत होना बताना। लेकिन परिजनों का इस मामले में कहना है कि जब कालूराम मीणा ने उसे घर से बुलाया उसके बाद अचानक उसके परिजनों को उसकी मौत की खबर, ऐसे में संदेह के आधार पर ग्रामीणों ने हत्या का मुकदमा कालूराम मीणा व अन्य लोगों के खिलाफ मलारना डूंगर थाने में दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि 13 मई को हुई हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज कराने के बाद और पोस्टमार्टम डॉक्टर रिपोर्ट के आधार पर लोकेश के शरीर पर मिले मारपीट के निशान के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद भी अब तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की, ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठाते हुए आज पुलिस अधीक्षक से तत्काल हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सिनोली गाँव के लोग आए तो ये 13 तारीख की घटना है, लोकेश मीणा था वो ट्रैक्टर ड्राइवरी करता था मेरे गांव का, वहीं उसी गांव का सिनोली गांव का कालू राम का ट्रैक्टर था, उस पर वो एक दिन ही गया था उसी दिन ड्राइवरी के लिए, तो रात में बजरी बज के वो रेखा से जा रहा था, तो मालिक ने ट्रैक्टर मालिक ने फ़ोन किया कि लोकेश का एक्सीडेंट हो गया कि हॉस्पिटल आ जाओ, घर वालों को फ़ोन किया तो ये वो कुछ भी हॉस्पिटल नहीं आया और उसी दिन से गाँव से फरार है वो, और फोन स्विच ऑफ है और उसकी रिकॉर्डिंग भी है गांव वालों के पास कि मेरे से कैसे भी गलती हो गई, तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा और पोस्टमार्टम पुलिस क्या मांगे आप लोगों की, जांच हो उच्च अधिकारी से जांच करवाने की मांग की है और जो दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।